फाइनली एंट्री ले चुके हैं, यहाँ आ गए हैं। देख लो भाई, ये हम ओ, ये कहाँ बैठ गया किसी? तो यार भाई, हम को बता देते हैं हम कहाँ आ गए। हम आ गए हैं अपने गांव, अपने घर पे। पहली बार आए हुए हैं शिवा के साथ में, और ये रहा हमारा पेड़ केले का। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में, जो कि कंटिन्यूसली हम बनाते जा रहे हैं। और रैंडमली हम बोल सकते हैं अनप्लैंड अनप्लैंड हम गांव आ चुके हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी। हम आपको अपनी छोटी सी जो बगीचा है, जो गांव में जैसे क्यारी बोलते हैं, वो दिखा रहे हैं, जहाँ पे केले का फूल, अमरूद, ये सब लगा हुआ है। अभी तो हम वॉशरूम करने आए थे। चलो मिलते हैं आगे, क्या होता है। घर पे पहुँचा, फ्रेश हुआ, और अपनी बाइक उठा के अपने दोस्त के साथ में मैं पास के ही शहर आ पहुँचा हूँ, जहाँ पे मुझे अपनी बाइक को सही कराना था, उसके शॉकर चेंज करवाने थे। तो दुकान पे बैठा हुआ था, तो ये एक डॉगी का बच्चा दिख जाता है, जो कि दुकान पे आता है। वो अंकल भगाने लगते हैं, जिसके पैर में ना चोट लगी होती है। तो हमने पास की दुकान से पेट्रोल लेकर उसके पैर पर डाला। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप घर से बाहर निकला करो ना, इन बेजवान की थोड़ी सी परवाह किया करो। यही आपसे गुजारिश। यार मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन मोमेंट्स को मिस कर चुका था, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। काफ़ी सारे गिफ्ट थे जो सेवा के लिए आए हुए थे। तो ये शाम हो चुकी है, और ये छोटी सी पार्टी है, जहाँ पर पापा जी समोसे लेकर आए हुए थे, और मैं भी एक साइड गोलगप्पे लेके आ रखा था, और कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है मेरी माँ और मेरे पापा जी। यार बात जब माँ और पापा की होती है, तो बोलना बनता है कि माँ बाप से बढ़ के आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई इस दुनिया में होता है। सबसे पहले भगवान तो वही होते हैं। तो मेरे पापा जी बहुत मेहनती हैं, और अभी फार्मिंग करते हैं, और मेरी माँ भी पापा का बहुत सपोर्ट करती है। मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों को बड़ा करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे मम्मी पापा। मैं भी कोशिश करूँगा कुछ अच्छा करूँ अपने माँ बाप के लिए। नाम तो सुना ही होगा यार। आज ये पता नहीं क्या बनाएगी, क्या बनाने वाली हो शिवा बाबू? तो ये रहा दूध। कौन सा दूध है बाबू? ये किस चीज का है, भैंस का या गाय का है? गाय का। ये रहा गाय का दूध। देखिए इधर, देखिए एक बार, ये फिर से देखिए। और ये क्या करते हो आप? चावल। हम्म, खीर बनाने जा रहे हो? खीर बनाने जा रही हो चूल्हे पे? शिवा बाबू बनाएगी खीर और हम लोग खाएंगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ शिवा ने। ये रही शिवा, अब आपको देखने को मिलेगी देसी स्टाइल में कैसे करते हैं सुबह उठ के ब्रश। और शिवा ने तोड़ लिया है नीम का दतून, और स्टार्ट हो गई है। एक अपने लिए तोड़ा, एक मेरे लिए तोड़ा, एक मम्मी के लिए भी तोड़ा हुआ था। आई थिंक मम्मी ने नहीं किया था, बट मैंने किया था। चलो दिखाते हैं मैंने कैसे किया था। और उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो ब्लॉग है ना, वो थोड़ी देर से अपलोड कर पाया हमने, उसके लिए सॉरी। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम मिला उतना टाइम में हमने उसको एडिट किया और आपके साथ शेयर किया। और रही वॉइस ओवर की बात, तो मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत तोड़ के ले जा रही। तो मम्मी कहाँ ले जा रही हो फूल? भगवान पे चढ़ाने। और हम देसी वाला के गाँव आके। सो गाइस, गांव में सब कह रहे हैं आप बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। क्या मैं सच में दुबला हो रखा हूँ? बहुत दुबला हो रखा हूँ। चलो ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं शिवा का एक नया लुक सूट में, जो कि पापा लेके आए हुए हैं, और उसके पैरों के लिए पायल भी लेके आए हुए हैं पापा जी। और अब देगी शिवा पोज, ये देने वाली है पोज। कैसी लग रही है बता देना। काफ़ी ये खुश है, और मुझे हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है ये। प्लीज़ आप वीडियो के एंड में ना एक कमेंट जरूर करना प्लीज़।
कहते हैं ना, गांव तो गांव होता है। देख लो घर वालों ने दे दिया टास्क, ये रही राई और हमने ये राई को झोर लिया है। राइट, दिखाता हूँ, ये झोर लिया है राई को। अब इसमें से निकाल रहे हैं जो ऊपर ऊपर की पत्ती रह गई थी, उसको ऐसे करके निकाल के इधर फेंक रहे हैं। वो देखो फेंक दिया, साफ कर रहे हैं। सो गाइस, अभी तो काम में बिजी हूँ, बहुत सारा पसीना आ रहा है। देखो कितना सारा पसीना आ रहा है। शिवा भी खाना बना रही है घर पे। ओह क्या नज़ारा है, देखो गांव का नेचुरल। देखो खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक गांव के। वाह पसीना हो रहा है। चलो भाई, वो अपना घर दिख रहा है, आई होप आपको दिख गया होगा वो सामने, ये दूसरा घर है। चलो भाई करते हैं काम। सो बनाई जा रही हैं गुजिया गाइस। आज मैं गांव की गुजिया, मम्मी के हाथों की गुजिया खाने के लिए रेडी हो जाओ। सो भाई मम्मी बना रही है खोवे की गुजिया। विदाउट रवा की, सिर्फ खोआ खोआ है। मम्मी ने गुजिया बना ली, मम्मा ने कर दी है रेडी गुजिया। और ये रही शिवा बाबू। सो यार ये हमारे पास है आज का खाना, इतनी देर बाद खाना मिला है। और ये मम्मी ने बनाई है दाल, आलू की सब्जी, रोटी शिवा ने बनाई है मम्मी ने। और ये आ गई हैं गुजिया, और ये मुझे खाना खिलाने वाली। हाँ खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मुंह को पास लाऊं। ये लो भाई मेरे मुंह में जा रहा है। बाबू मुझे कर रही है रेडी, और हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाबू ख़रीद के लाती है। ये मोमेंट भी हमने मिस कर दिया था रिकॉर्ड करना, जब हम बाहर जाते हैं। काफ़ी मज़ा आता है बाहर घूमने में, काफ़ी सारे दोस्तों से भी मिलता हूँ और अपने गुरुजी से भी मिलता हूँ। चलो चलते हैं आगे। यार यहाँ पे वॉइस ओवर करने का कोई प्लान नहीं था, बट पास में चल रही टेलीविज़न में एक सॉन्ग आ रहा था, तो मुझे डर था कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही बोल देता हूँ। तो शाम हो चुकी है और हम शाम के डिनर को देख रहे हैं, जैसे कि रेडी हो रहा है। शिवा और मम्मी कर रही है। शिवा ने ज़्यादा कुछ खास तो शायद काम नहीं किया होगा मम्मी के साथ में, बट जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी साइड से ट्राई करती है कि वो सब लोगों को। हम कल मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएंगे। हम ऐसे बिस्तर लगा के यहाँ पे सोते थे, ऐसी मच्छरदानी लगा के इस पे सोते थे। बाबू ये चूड़ा लेके आई है, दिखा रही है। चलो भाई देख लेते हैं बाबू का चूड़ा। भाई बता दीजिएगा कैसा लगा बाबू का चूड़ा। तो बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। ये रहा हमारे बाबू का चूड़ा। बाबू कब बियर करोगे आप इसे? कल मॉर्निंग में। बाबू कह रही है ताजमहल जाने के लिए, बैटरी कम है, मोबाइल वोबाइल चार्ज कर लेंगे। देखते हैं इसको अच्छे से पहनेंगे, इसको मैं सेट करती हूँ। बाबू जब तक सेट कर रही है मैं पोटी करके आता हूँ। बैसा बेटू अब मैं घर से निकल रही हूँ और मम्मी तिलक कर रही हैं। वो उतनी खा पड़ती हैं। सो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम अपनी मम्मी पापा दादी सबका आशीर्वाद लेके दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अब हमारे पास होगी बाइक, तो हम बाई बाइक दिल्ली रिटर्न हो रहे हैं। तो अब इस ब्लॉग को तो हम यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो टफ हो सकता है एक बार में कंप्लीट वॉच करना।
बट मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और थोड़ा वक्त देना कि मैं आप सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकूँ, आप सबके दिलों को जीत सकूँ और जितना हो सके खूबसूरत मोमेंट और कुछ खूबसूरत चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आपका दिन शुभ हो, बी हैप्पी। थैंक यू।